नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड। अब पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स हमने लिया था। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें देखिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पार्ट वन की एक्सरसाइज है 1.1। उसमें से कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। तो हमें यहाँ पे कोटर्मिनल एंगल्स के पेयर्स जो हैं वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो एंगल है वो देखिए 210 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो -150 डिग्री का है। तो जब भी कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं फाइंड करना है, तो हमें उन एंगल्स का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। अगर ये डिफरेंस 360 डिग्री और यह 360 डिग्री के मल्टीपल में आता है तो दोनों एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे 210 माइनस 150, तो 210 माइनस इनटू माइनस प्लस 150, तो 210 प्लस 150 ये 360 हो जाएगा। तो इसीलिए ये दो एंगल जो हैं वो कोटर्मिनल पेयर फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज़ द पेयर ऑफ एंगल्स, दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, अब इसमें हम एक फोर्थ क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट, जो -405 डिग्री और दूसरा है 675 डिग्री। तो हम यहाँ पे 675 डिग्री से -405 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 675 माइनस इनटू माइनस प्लस 405, 5 प्लस 5 10 कैरी 1 और ये 1480 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, ये आ जाएगा 106 प्लस 4 10 हो जाएगा 1080। अब ये जो 1080 एंगल है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 360 डिग्री लेते हैं तो ये 1080 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसे कोटर्मिनल एंगल्स हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है वो 1080 जो कि 360 में के मल्टीपल में यहाँ पे आ चुका है। तो ये दो एंगल्स कोटर्मिनल्स एंगल्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें हमें कहा गया है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। अब जो फर्स्ट एंगल है वो है -140 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें एंगल जो है -140 डिग्री, तो कौन से दो एंगल के बीच में आता है वो देखना है। तो ये अगर माइनस है तो डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो ये इधर से यहाँ तक 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में -90 डिग्री -180 डिग्री, तो -140 यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो ये -140 डिग्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये जो एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। अब सेकंड जो एंगल हमें यहाँ पे दिया है वो है 250 डिग्री का। अब 250 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए यहाँ से ये 90, 180, 270 और 270 के बीच में इस क्वाड्रेंट में
मतलब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। एक एंगल हम यहाँ पे लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, -330 डिग्री का। तो -330 डिग्री अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे -90, -180, -270, -360। तो ये -270 और 360 के बीच में आएगा यहाँ से। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, सॉरी यहाँ से होगा, तो एक और हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे एंगल आएगा और यहाँ पे इस तरीके से हमें एरो देना पड़ेगा और ये एंगल होगा -330 डिग्री का और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसे लिखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से एक एंगल हम लेते हैं सपोज 750 डिग्री का, ये फोर्थ क्वेश्चन में है 750 डिग्री। तो 750 डिग्री के लिए देखिए कैसे लेना पड़ेगा। वन कंप्लीट रोटेशन अगर हम लेते हैं तो ये 360 डिग्री होगा और फिर से अगर हम एक और रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 360 प्लस 360, 720 डिग्री का एंगल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर हम दो रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो। तो दो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हमें 30 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और इस तरीके से हमें यहाँ पे एक रोटेशन प्लस सेकेंड रोटेशन और उसके आगे 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। तो ये 750 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 750 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज एक एंगल हम लेते हैं -500 डिग्री सपोज, तो ये कैसे होगा देखिए। नेगेटिव माइनस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। 360 प्लस 90, 450 डिग्री यहाँ तक आएगा और 450 प्लस 90 अगर हम लेते हैं तो 540 डिग्री का यहाँ तक एंगल आएगा। तो 500 जो एंगल है वो 450 और 540 इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम एंगल का जो रोटेशन है वो यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा -500 डिग्री का एंगल। इस तरीके से हम किसी भी मेजरमेंट का जो एंगल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमें दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस, एंगल्स इनटू रेडियंस, रेडियंस में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट जो एंगल है वो दिया है सपोज 85 डिग्री, तो 85 डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 80 डिग्री है तो 85 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी ये रेडियन हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे हमें रेडियन लिखना है। फिर दोनों को 5 से डिवाइड होगा तो 5 3 15, यहाँ पे 3 5 6 5 5 7, तो ये आंसर हो जाएगा 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर हमें दिया है -132 डिग्री और हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो -132 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 और ये मेजरमेंट को
रेडियन लिखना है। तो ये माइनस, अब इन दोनों को 6 से डिवाइड होगा, 6 2 ज़ 12 6 2 ज़ 12, और फिर 6 3 ज़ 6 0 ज़, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 11 ज़ 15 ज़। तो ये माइनस 11 पाए अपॉन 15 रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।